नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ आईटी स्टॉक्स के बारे में और स्पेशली इंफोसिस, विप्रो एंड टीसीएस के बारे में। तीनों ही कंपनी अपनी क्वार्टर थ्री की अर्निंग्स पेश कर चुकी हैं एंड यहां पे अब आप सभी के सामने सब कुछ क्लियर हो चुका है कि हमें कहां पे निवेश करना चाहिए और कौन सा स्टॉक बेस्ट है। जिसके पास इन तीनों में से कोई भी स्टॉक है वहां पे मैं क्लियर कट एक ही राय दूंगा मेरे हिसाब से, जिसके पास जो उसी के साथ बने रहे। बट अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है या फिर एवरेज करना चाहता है तो क्या उसे एवरेज करना चाहिए और अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो कौन से में लेनी चाहिए, इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक तरीके से कहीं ना कहीं कंपेरिजन वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके तीनों स्टॉक्स को समझने की और देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट्स बताना चाहूंगा शॉर्ट में। टीसीएस और इंफोसिस के नंबर्स अच्छे थे, विप्रो के उतने खास नहीं थे, लेकिन विप्रो के मैनेजमेंट की कमेंट्री स्ट्रॉन्ग और अच्छी थी। उन्होंने कहा क्वार्टर फोर के लिए अच्छी खासी और हेल्दी डील पाइपलाइन है। वहीं विप्रो टीसीएस या फिर इंफोसिस की बात करें वो नॉर्मल थे, उन्होंने कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस नहीं दी, बाकी सिमिलर ही था सब। और रिजल्ट के मामले में टीसीएस और इंफोसिस थोड़े ज्यादा बेटर लगे। अब आते हैं रिजल्ट्स को साइड करते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद देखा जाए तो किसी में कोई ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं आया। इंफोसिस और टीसीएस ऊपर गए हैं, विप्रो भी हल्का फुल्का पॉजिटिव है, बट ज्यादा कुछ पॉजिटिव मोमेंटम में नहीं आया स्टॉक। चार्ट्स के हिसाब से तीनों में पहले देखते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग दिखता है। अगर चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो एक चीज तो समझ में आ जाएगी कि शॉर्ट टर्म में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो देखिए शॉर्ट टर्म में ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कहीं ना कहीं हमें जो दिख रहा है वो चाहे विप्रो हो या टीसीएस हो या इंफोसिस हो, तीनों एक ही सेक्टर से है। एक स्टॉक चलेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पूरा सेक्टर ऊपर जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि छोटे स्टॉक है, पूरे लार्ज कैप स्टॉक है, अपने दम पे पूरा सेक्टर उठा सकते हैं। विप्रो की बात करें तो कंटिन्यू एक महीने से हायर हाइज बना रहा है चार्ट्स पे, और स्टॉक ऊपर में अराउंड आपके लिए 414 तक जाने के लिए तैयार हो रहा है ये स्टॉक। इस स्टॉक में प्रीवियस लो जो आपके लिए लगता हुआ दिखा है वो 388 का है, तो वही स्टॉप लॉस बनेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। टीसीएस के बारे में अगर बात करें तो टीसीएस यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा 3378 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। इस स्टॉक में एक बड़ा डिविडेंड भी एडजस्ट हुआ है कल के सेशन में, आपको बता दूं 75 रुपीज पर शेयर का, उसके बाद भी स्टॉक ऊपर खड़ा है। अगर मैं इसमें 75 रुपीज और इंक्लूड कर दूं तो अराउंड 3450 पे आ गया, जो हमारे टारगेट्स थे। अब इस स्टॉक की बात करें तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है और ये भी ऊपर में अराउंड 3450 तक जाने के लिए तैयार है, बट वही है डिविडेंड एडजस्ट करेंगे तो ये ऊपर हो ही चुका है अभी तक। बट ठीक है, स्टॉक अभी भी पॉजिटिव और अच्छा दिखता है, नेगेटिव तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट इंफोसिस की बात करें तो इसमें 1520 का एक ऐसा लेवल था जो कि हर्डल के रूप में सामने आ रहा था, उसको इजिली क्रॉस कराया स्टॉक ने, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक हल्का रिवर्सल और मिल जाए और रिवर्सल जो है मैक्सिमम 1510-20 रुपीज का हो, 1500 के पास सपोर्ट लेता दिखे, ये मेरी कंडीशन है, तो इसका चार्ट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग होगा और रिवर्सल में हमें खरीदारी करनी चाहिए अगर 1500 के पास सपोर्ट ले रहा होगा तो। इसमें डायरेक्ट 1560 तक के टारगेट्स बनेंगे। अब साइड करते हैं ट्रेडिंग व्यू को, अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तीनों स्टॉक्स को तो विप्रो में नो डाउट सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। और सबसे पहले विप्रो को ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ता है विप्रो और वैल्यूएशन वाइज सबसे महंगा मिलेगा टीसीएस, फिर इंफोसिस। सबसे बड़ी आईटी कंपनी है वो सबसे ऊपर ही मिलेगी, सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है इंफोसिस तो वो सेकंड लार्जेस्ट के हिसाब से ही मिलेगी। बाकी विप्रो की बात करें तो एससीएल, टेक, टेक महिंद्रा, एनसीएस को आप कंपेयर करोगे तो सिमिलर लेवल पे मिलेगा। तो वैल्यूएशन वाइज तीनों ही स्टॉक्स अपनी अपनी जगह ठीक है। अब विप्रो की बात करते हैं तो 217,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, 20 का रिटर्न ऑन इक्विटी है और 21.1 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अभी भी अच्छा दिख रहा है 20% का, यानी कि आपके पैसे पे 20% के रिटर्न्स जनरेट कर रही है कंपनी। हालांकि एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिए वो भी अच्छे खासे, बट मुझे लगता है टाइम देना चाहिए और यहां से ये स्टॉक डेफिनेटली आपके लिए बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएगा। इस शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर दिसंबर क्वार्टर में भी इसका लास्ट क्वार्टर के मुकाबले अच्छा आया है। अगर सितंबर क्वार्टर में देखें तो 4.85 का अर्निंग पर शेयर था, ईपीएस था, एंड करंटली 5.56 का आया, यानी कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 0.77 का इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, तो अच्छा दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं दिख रहा। पूरे साल का अर्निंग पर शेयर अराउंड 22.31 का है, ठीक है। अब इसी को 10% से कर देंगे तो अराउंड 24 रुपीज के समथिंग हो जाएगा 24.5 का, और इसमें अभी जो मल्टीपल्स मिल रहे हैं इसको वो मल्टीपल्स है 19.2 के। मैं 20 का लेके चलूं ऑन एन एवरेज तो इसका हो जाएगा 490-500 के टारगेट।
तो ये बिल्कुल सिमिलर केस में रख दिया, यानी कि जो है उसी पे हमने इसको मल्टीपल्स दिए हैं, तो ये 500 का बनता है। तो इस हिसाब से यहां पे इसमें ये बन रहा है। अब आते हैं सेकंड स्टॉक पे, इंफोसिस। इंफोसिस की बात करें तो 1540 पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, ऊपर से अच्छा खासा करेक्टेड है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी काफी हाई है विप्रो के कंपैरिजन में, 29% का। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी काफी हाई है, 37.1% का, और डिविडेंड यील्ड 2% की है। इस शेयर में भी वही सेम पैटर्न देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर 14.31 से जो सेप्टेम्बर में था, दिसंबर में 15.70 पे आया हुआ ईपीएस, ऑलमोस्ट 1.4 का ईपीएस गेन करा इसने सिंगल क्वार्टर में। एंड पूरी साल का अर्निंग पर शेयर देखें तो यहां पे आपको लगभग 52 रुपीज का अर्निंग पर शेयर है, लास्ट ईयर 45 का था। तो इसका अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट 20% से जंप करता हुआ दिख रहा है, तो मैं इसको यहीं से 20% जंप करा देता हूं 52 को, तो अराउंड 62 के समथिंग हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम राउंड फिगर में 62 ही ले लेते हैं, चलिए ऊपर नीचे नहीं करते हैं। और इसको अभी मिल रहे हैं 27.2 के मल्टीपल्स, तो मैं इसको अगर 27.2 के हिसाब से इसको मैं 28 लेते हैं, जैसे हमने उसको एक पी ज्यादा दिया तो इसे भी एक पी ज्यादा देते हैं, तो 28 × 62 करूंगा मैं, तो यहाँ पे इसका 1740 रुपीज का भाव निकल के आएगा। और अभी ये स्टॉक आपको 1540 पे मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट बढ़िया गेन हो गया। यहाँ भी 10% है, लेकिन विप्रो में आपको 20% का गेन मिल रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में क्योंकि वो गिरा जाता है तो वो बढ़ेगा भी ज्यादा, ऑब्वियस ही बात है, बट कंफर्ट देखेंगे तो आप इंफोसिस अपने आप में एक मार्केट लीडर है, वहां कंफर्ट ज्यादा रहेगा आपके पास। टीसीएस की बात करें तो 3400 के ऑलमोस्ट क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, स्टॉक के 30 के पीई करंटली ट्रेड कर रहा है, और 43.6 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी सबसे ज्यादा है 54.9 का, ठीक है। इसका अर्निंग पर शेयर देखता हूं, पहले इसका पीई देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग 30.4 के पीई पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। इसने अर्निंग पर शेयर इसमें कितना जंप आया वो देखते हैं पहले हम, करंट क्वार्टर में 29.64 का है, एंड लास्ट क्वार्टर में 28.51 का था। तो इसका अर्निंग पर शेयर कम है, ज्यादा नहीं आया है, लगभग 1.1 का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ है। बाकी अगर आप इंफोसिस देखें या विप्रो देखें, इसके कंपैरिजन में ज्यादा गेन करा है परसेंटेज के हिसाब से। पूरी साल का अर्निंग पर शेयर टीसीएस का 104 का है, एंड मार्च 2021 में 87 का था, तो यहाँ पे 88 का था ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 16 यानी 20% का अर्निंग पर शेयर ये भी जंप करा है। तो मैं यहाँ से 104 को अगर 20% का जंप कराता हूँ तो ये आ जाएगा 124 के समथिंग का। 124 के समथिंग को अगर मैं 30 के पी पे, तो ये भी ट्रेड कर रहा है, हम इसको 30 पे ही ले लेते हैं, 31 पे ले लेते हैं। 134 को अगर मैं 124 से दूंगा तो 3844 का आएगा, जो कि ऑलमोस्ट 15% के रिटर्न्स होते हैं। तो रिटर्न्स के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा विप्रो दे रहा है, फिर टीसीएस दे रहा है, फिर इंफोसिस दे रहा है। बट ये आपको अर्निंग पर शेयर के हिसाब से बताया मैंने आपको पीई को कैलकुलेट करते हुए। अभी अगर मैं यहाँ पे ऊपर से देख के बोलूं तो इंफोसिस थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसके पीछे के दो रीजन है, एक तो उसमें बायबैक चल रहा है, ठीक है, 16 जनवरी से दोबारा स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो एक महीने रिजल्ट आए थे तो उसमें रुक गया था वो, तो बचे हुए पैसों का बायबैक दोबारा स्टार्ट हो गया है। सेकंड थिंग, स्टॉक करेक्टेड भी अच्छा है, और मुझे लगता है लोगों का पार्टिसिपेशन भी, यानी कि फ्लो जो है, कैश फ्लो जो है, उसी के अंदर ज्यादा रहता है, तो वो स्टॉक मुझे लगता है ज्यादा रिटर्न दे सकता है आपको। फ्रेश एंट्री के लिए टॉपिक मेरी यहाँ से इंफोसिस रहनी चाहिए, और सेकंड कहीं ना कहीं आप विप्रो पे ध्यान दे सकते हैं, टीसीएस रिसेंटली ऑलरेडी गेन करा है, एंड थर्ड टीसीएस। अगर आपके पास टीसीएस है तो ये ना करें वो बेच के ले लें, क्योंकि टीसीएस अपने आप में मार्केट लीडर है, वो भी गेन करेगा। तो ये पूरी कहीं ना कहीं मेरी वीडियो, होप आपको कहीं ना कहीं क्लियर व्यू मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।